बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ दियर साइज स्पीड एंड परफॉर्मेंस आर क्लासिफाइड इनटू फोर क्लासेस। स्पीड के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, मेमोरी के लिहाज से कंप्यूटर की, डिजिटल कंप्यूटर की चार अकसाम है। पहला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज़ द बिगेस्ट इन साइज एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। इट इज़ यूज इन लार्ज साइंटिफिक एंड रिसर्च लेबॉरटरीज में। यह आपके पास कोलम्बिया सुपर कंप्यूटर नज़र आ रहा है। इनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, डेटा प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी भी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। ये ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड प्रोसेस कर सकते हैं। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? साइंटिफिक एंड रिसर्च लेबॉरटरीज में, वेदर फॉरकास्टिंग, पूरी दुनिया का डेटा प्रोसेस करते हैं और वेदर प्रिडिक्ट करते हैं कि कल क्या, किस तरह वेदर रिपोर्ट है। द कोलम्बिया सुपर कंप्यूटर लोकेटेड एट द नासा एम्स रिसर्च सेंटर। आपके पास ये सुपर कंप्यूटर। उसके बाद आपके पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दरअसल smaller in size, speed and capacity of secondary storage device as compared to supercomputer. After supercomputer, mainframe computer है, largest है, most quickest है, speedy है, as a server इस्तेमाल होता है। These computer are used in large companies, factories, organization. The computer can control and supervise 100 user at a time. 100 यूज़र एट अ टाइम जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। द मेन फ्रेम आर एबल टू प्रोसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो ट्रिलियंस और ये बिलियंस, दे हैव सेवरल हंड्रेड ऑफ मेगाबाइट ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी रैम, एंड ऑपरेटेड स्पीड मेजर इन नैनो सेकेंड्स, 10^-9 नैनो सेकेंड्स में ये डेटा को प्रोसेस करते हैं। दिस कंप्यूटर इज कॉमनली यूज इन बिग हॉस्पिटल, एयरलाइन कंपनीज में, स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज में, यूनिवर्सिटीज़ में एंड मेनी अदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। और ये ज़्यादातर एज अ सर्वर इस्तेमाल होते हैं, पावरफुल कंप्यूटर। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर की कैपेसिटी है कम, किससे? मेन फ्रेम कंप्यूटर से, साइज के लिहाज से, स्पीड के लिहाज से। देयर स्पीड आर rated in millions of instruction per second. These are the computer which are mostly preferred by the small type of business colleges. अब आपके पास ये जो है IBM 5360 mini computer है। तो mini computer जो है millions of instruction per second process करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट रेंज ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द अर्ली 1970s। इनको पर्सनल कंप्यूटर PCs भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर ऑफ टुडे आर इक्विवेलेंट टू द मिनी कंप्यूटर ऑफ यस्टरडे। मतलब इतने पावरफुल हो गए हैं माइक्रो कंप्यूटर कि यस्टरडे के मिनी कंप्यूटर के बराबर इसकी प्रोसेसिंग है, परफॉर्मेंस है। दिस कंप्यूटर आर लेसर इन कॉस्ट देन द कंप्यूटर गिवन अबव एंड आल्सो स्मॉल इन साइज। इनकी के साइज़ भी इस्तेमाल होती है और ये एक्सपेंसिव भी नहीं, इतने नहीं होते। इन जो आजकल के पर्सनल कंप्यूटर हैं ना, ये दरअसल माइक्रो कंप्यूटर हैं। और माइक्रो कंप्यूटर साइज़ के लिहाज से, शेप के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म की इसकी अकसाम है। उसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है और पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।